बोला। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सुनीता कारिया, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। संतरा पामू, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ज्योति पवार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सुनीत बिलानिया सर, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ड्रीम कोचिंग क्लासेज, क्या बात है गुरुजी, आज तो चमक रहे हो। अच्छा, ये बात है, इतना ऊंचा मुझे गुरुजी को। तो बच्चों चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए, आज हम पढ़ेंगे 37वें नेशनल गेम्स जो भी हुए हैं हमारे राष्ट्रीय खेल, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो आज से आपको ये क्लास 7:15 है वो रोज मिलेगी। पहली घोषणा तो ये करंट अफेयर की डेली, जैसे कल मिलेगी आपको एशियन गेम की। एशियन गेम की कल है वो आएगी हमारी। तो में थोड़ा एरर आ गया है, ये मैं पीपीटी आ गई है। तो चलते हैं। हेलो सर, मांगी डांगा पुष्पा, हेलो सर जी, हेलो हेलो। तो चलो देखते हैं कि 37वें नेशनल गेम्स है वो, उनका आयोजन करता कौन था। ये बेटा गेम है ये गोवा में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? गोवा में। गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी। कौन सी है? पणजी। और ये गेम है वो 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक वो गेम चले थे। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक ये गेम चले थे। और इसका उद्घाटन करता, इनका उद्घाटन है वो किसने किया था बेटा? इनका उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। किसने किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसके अंदर कौन कौन से खेल थे? तो बेटा इस वर्ष इसमें 43 गेम थे। कितने थे? 43 गेम थे। इसके अंदर देखो कौन कौन से गेम खेले गए थे, नए गेम कौन से थे। एक तो फुटबॉल इसके अंदर इस बार नया गेम था, और रोल बॉल हो गया, आपका गोल्फ हो गया, या सेप कटकरा हो गया, स्क्वे हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, और कलियारा पट्टू और पेनकेक, ये इसके अंदर 7 गेम है वो क्या थे बेटा? इसके अंदर नए गेम है, इस बार वो 7 गेम में शामिल किए गए हैं। हाँ, ये देखो ये लिखा हुआ है। और इसका शुभंकर, शुभंकर क्या था भाई इस बार का? शुभंकर भी देखो मोस्ट है, पूछा जा सकता है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कौन सा था। तो ये था इसका मोगा। कौन सा हो जाएगा इसका शुभंकर बेटा? मोगा। मोगा इसका था शुभंकर, और 37वें नेशनल गेम से। और इसका आदर्श वाक्य क्या था बेटा? सेट गेट गोवा 2023। चलती है नेक्स्ट। अब देखो थोड़ी सी जानकारी ये भी देख लेते हैं कि फरवरी 2024 में लाहौर में पहला भारतीय ओलंपिक खेल है वो शुरुआत हुआ था। तो भाई नेशनल गेम की पहले शुरुआत कहां हुई थी बेटा? 1924 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1924 में। और कहां हुई थी? लाहौर में पहले भारतीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। आज हम नेशनल गेम कहते हैं, पहले इन्हें क्या कहा जाता बेटा था? ओलंपिक गेम कहा जाता था। क्या कहा जाता? ओलंपिक खेल। और उसके बाद में देखते हैं 1940 में बॉम्बे में कौन सा खेल आयोजित हुआ था बेटा? नोवा संस्करण हुआ वो बॉम्बे में आयोजित हुआ था। और इस दौरान ओलंपिक खेल का नाम क्या दिया गया था बेटा? राष्ट्रीय खेल। क्या दिया गया था? राष्ट्रीय खेल का नाम है वो दिया गया था। ओसो जी टापरों की मौज कर दी गुरु जी, वाह ओसो जी वाह, जबरदस्त। आगे चल दिया, देखो आगे देखो। ब्रिटिश ओलंपिक औपनिवेशिक काल के दौरान 1946 तक के भारतीय ओलंपिक खेल 12 बार आयोजित हो चुके थे। तो जो औपनिवेशिक काल था ना हमारा, 1946 तक के ये 12 ओलंपिक खेल है वो खेले गए थे, आयोजन हो गए थे इसके 12। तो ये भी क्या है इसका मोस्ट है, थोड़ा नोट कर लेना आप, ये आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। लेते तो आगे चलते देखो। अब देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या था। अब ये देखो इसके अंदर लिखा हुआ है 36वें नेशनल गेम कहाँ हुए थे बेटा? 36वें नेशनल गेम है वो गुजरात में हुए थे। कहाँ हुए थे? गुजरात के अंदर, जो 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक है वो
चले थे 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक चले थे। और बात में शारीरिक फिटनेस, स्वास्थ्य, प्रतिबद्धता, प्रतिस्पर्धा और खेल में कौशल को बढ़ावा देना था। और उसका आयोजन करता कौन है, नेशनल गेम का आयोजन करता कौन है बेटा, भारतीय ओलंपिक संघ है। ये देखना, आगे एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लेंगे। अब देखो इसके अंदर नेशनल गेम्स 2023 में सबसे ज्यादा पदक है वो किसने जीते बेटा, महाराष्ट्र ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं इसके अंदर, देखो महाराष्ट्र ने 80 गोल्ड मेडल जीते हैं। और सिल्वर कितनी है, 69। और ब्रॉन्ज मेडल कितनी है, 79 है। उसके बाद में सर्विसेज में देखो 66 तो गोल्ड मेडल जीते थे, और ब्रॉन्ज मेडल कितनी है, 55। और ब्रॉन्ज कितनी है, यहाँ पे 75। और थर्ड स्थान पर रहा था हमारा हरियाणा में देखो 65 तो गोल्ड मेडल और 55 है वो सिल्वर जीते थे, ब्रॉन्ज मेडल है वो 75 है। उसके बाद में मध्य प्रदेश है वो 4 नंबर पे रहा था, उन्होंने 37 तो गोल्ड मेडल जीते थे और 36 है वो सिल्वर और 39 है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। उसके बाद में देखो 5 स्थान है वो किसका रहा था, 5वां स्थान है वो केरल का रहा था, उन्होंने 36 तो गोल्ड मेडल जीते थे, 24 आपके सिल्वर मेडल और 27 है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। आपकी एंट्री जबरदस्त है गुरु जी, सच्ची बताओ, मजाक तो नहीं कर रहे। आगे चलते हैं, ये भी देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, बन सकता है परीक्षा में आने वाला, कि बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसके अंदर कौन रहा था बताओ। तो इसके अंदर देखो बेटा रहा था हमारा बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा था श्री हरि नटराज, जो किससे संबंधित है बेटा, तैराक से संबंधित है। ये आप इसकी फोटो देख सकते हैं, ये देखो श्री हरि नटराज है। और ये कहां के है बेटा, ये है कर्नाटक के, कहां के है, कर्नाटक के। इन्होंने 8 तो गोल्ड मेडल जीते थे, 1 सिल्वर मेडल जीता था और 1 था उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये याद रखना, पेपर में प्रश्न सीधा छपेगा, छपने वाला प्रश्न है ये। और इसके अंदर देखो बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही थी, इनके अंदर देखो दो रही थी बेटा, ये है आपकी परिणीति नाइक, ये रही परिणीति नाइक, और संयुक्त प्रोसेस ये रही। और ये दोनों किससे संबंधित है बेटा, ये दोनों है वो जिम्नास्टिक से संबंधित है, किसे, जिम्नास्टिक से। और ये कहां से बिलोंग करती है बेटा, उड़ीसा से, कहां से बिलोंग करती है, उड़ीसा से। उड़ीसा की कैपिटल कौन सी बेटा, भुवनेश्वर, कौन सी है, भुवनेश्वर। और इन्होंने 4 तो गोल्ड मेडल जीते थे, 1 है वो सिल्वर मेडल जीता था। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, और आप इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे चलते हैं, अब देखो जो मैंने बताया है इनके क्या होगा, अब क्यूज होगा, आप सभी को उत्तर देने हैं कौन सा सही है कौन सा हमारा नहीं हो रहा है। देखो कि 2023 में राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण वो आयोजित हुआ, क्या गया था कि 2023 में राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, 32वां संस्करण, 35वां संस्करण, 36वां संस्करण या 37वां संस्करण। अब बताओ मेरे को कमेंट में फटाफट, किसका सबसे पहले आंसर आता है मेरे को बताओ, फटाफट बताइए बताइए जल्दी से। ओसो जी कह रही है इस क्लास का नाम एग्जाम के लटमार सीरीज रख दो कुर्सी, बिल्कुल रख देंगे ओसो जी, लटमार सीरीज बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आप जो कहो हम वो बिल्कुल करेंगे। मांगी सिद्धांगा हंस रही है बिल्कुल, सुनीता जी कह रही है सर जी आप बहुत खुश लग रही है, क्या बात कर रही हो, खुश लग रही है। आगे देखो ज्योति पवार कह रही है, सनु कह रही है सी सी, और ज्योति पवार कह रही है सी, तो इसका सी है वो। देखो 2023 के बारे में पूछा है, 2023 से सी कैसे होगा भाई, कैसे होगा। 36वां संस्करण तो कहां हुआ था बेटा आपका, गुजरात में हुआ था, कहां हुआ था, गुजरात में, ये तो हो भी नहीं सकता। 37वां संस्करण हुआ था बेटा, कौन सा संस्करण है ये 2023 में, 37वां संस्करण। और ये कहां हुआ था बेटा, गोवा में, कहां हुआ था, गोवा में। अभी मैंने बताया और आप गलत दे रहे हो, उत्साह नंबर सी, नहीं भाई नहीं, डी होगा इसका आंसर, अभी आपने मैंने बताया वो ध्यान से सुना नहीं। अगला देखते हैं, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में हुआ है, ये तो बता दो, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में हुआ है ये तो भाई बताना चाहिए, गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार, कौन से हुआ है जल्दी बताओ मेरे को, फटाफट आंसर दो फटाफट। जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी,
कोई नहीं बता रहा, मैं ही बता दूं क्या? चलो मैं ही बता देता हूं भाई। 37वें राष्ट्रीय खेल है वो कहां में थे बेटा? गोवा में हुए थे। इसका ए आंसर है वो सही है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलती है नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन वो किसके द्वारा किया गया था, मैंने आपको सबसे पहले बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 37वें राष्ट्रीय खेल में कुल कितने खेल शामिल है? बताओ बेटा 37वें राष्ट्रीय खेल में इस बार कुल कितने खेल शामिल है? बताओ फटाफट जल्दी से। सनु बाबू कह रही है पिछला, ये बिल्कुल बेटा आपका सही है पिछला। आप ये बताओ फटाफट 37वें राष्ट्रीय खेल में कुल कितने खेल शामिल किए थे इस बार 2023 का बताना। इस बार 30 होगा, 20, 43 या 50, कौन सा होगा? फटाक से बी। सनु बाबू कह रही है बिल्कुल बिल्कुल बेटा आपका। नहीं 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 बी नहीं होगा बेटा, सी होगा इसका। 43 आंसर है वो सही होगा। अगला देखते हैं। हाँ 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? बताओ 37वें खेलों का शुभंकर क्या था बेटा? भीमा, मोगा, फेई या महू, क्या था? अभी आपने क्लास में मेरे को लगता है सही नहीं देखे। नंदू एजुकेशन पिछला बता रहे क्या? 43 नंदू एजुकेशन पिछला आपका 43 है वो बिल्कुल सही है। इस बार का बताओ ये 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर बताना है। जल्दी उत्तर दिया करो, इतना टाइम मत लगाया करो आप, जल्दी बताओ जल्दी। देखो मैं ही बता देता हूं, इसका था हमारा मोगा। क्या हो जाएगा बेटा इसका राइट आंसर? मोगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है वो हमारा मोगा हो जाएगा। और इसके अंदर से एक क्वेश्चन पक्का छपेगा बेटा, जो भी एग्जाम होगा नेशनल खेल से एक क्वेश्चन पक्का है, फाइनल लिख लेना मेरी। और जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर है वो नहीं आएगा। अगला देखो 37वें राष्ट्रीय खेलों का थीम सॉन्ग क्या था? इस बार जो नेशनल गेम हुआ उसका थीम सॉन्ग क्या था बताओ? कि खेलों में एकता का उत्सव, या खेलों का महत्व, या एकता खेल भावना, या खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेल खेला ना हो, इसका क्या हो जाएगा बेटा बताओ? इसमें कौन सा आंसर सी होगा। सनुआ मूसर आपके पास कमेंट लेट आते हैं? हाँ भाई लेट तो आते हैं, हो सकता है भैया, तो आपके नेटवर्क इशू है या हमारे नेटवर्क इशू है, दोनों में तो एक तो होगा ही ना। तो बेटा खेल ऐसा खेल कि जैसा कोई खेल खेला ना हो, तो इसका क्या हो जाएगा? थीम सॉन्ग डी आंसर वो आपका सही हो जाएगा। अगर कोई भाई बहन इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आप आसानी से ले सकते हो, मैं टाइम देता हूं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेलों को शामिल किया गया था? बताओ बेटा 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेलों को शामिल किया था बताओ? इस बार कितने खेल शामिल किए गए थे बेटा? 37 खेल है, 7 खेल है वो नहीं शामिल किए गए हैं। इनमें से देखो फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, ये मैंने बताई है, तो ये सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट है 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान कौन रहा है? तो बताओ भाई 37वें राष्ट्रीय खेल हमारे, उसके अंदर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? कौन से राज्य रहा है? महाराष्ट्र या कर्नाटक या तमिलनाडु, कौन सा रहा है इसके अंदर? जल्दी से उत्तर बताइए मेरे को। दी तमिलनाडु, ये हो सकता है पहले वाला बताया, पहले वाला बिल्कुल सही हुआ वो आपका सही है। इसके अंदर बेटा 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। इसका होगा बेटा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य इसके अंदर प्रथम रहा है। अगला देखते हैं। अगला है 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजा राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी, राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? और ये ट्रॉफी उसी को दी जाती है जो नेशनल गेम में प्रथम स्थान पर रहा हो। इसके अंदर जो भी टॉप वो पूरे काउंट किए जाते हैं किस राज्य ने कितने मेडल जीते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका? राजा बलिंदर ट्रॉफी किसने जीती है? सर्विसेज ने जीती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु, किसने जीती है बताइए मेरे को। हाँ सनु बाबू पिछला भी सही आपका, ये बताओ मेरे को। देखो इतना मेरे पास टाइम नहीं है, बता दो फटाफट। तो बेटा इसके अंदर राजा बलिंदर ट्रॉफी है वो किसने जीती है? महाराष्ट्र ने। किसने जीती है? महाराष्ट्र ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजित किए गए थे? अब इस बार बताओ बेटा मेरे को, इस बार 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 कहां आयोजित किए गए थे? इस बार 2022 का पूछा है, 2022 का कौन बताएगा जल्दी से? कोई नहीं बताएगा, चलो मैं बता देता हूं। तो ये बेटा खेले गए थे आपके गुजरात में। कहाँ खेले गए थे? गुजरात में। 36वें एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक साल पीछे का याद रखना चाहिए।
अगला देखते हैं, अगला है 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति, इस 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति याराजी ने किस खेल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, किस खेल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा बेटा बताओ मेरे को, बॉक्सिंग में, लंबी कूद में, तैराकी में, या रनिंग में, या दौड़ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। और ज्योति याराजी है वो कहां से संबंध रखते हैं बेटा, ये है आंध्र प्रदेश से, कहां की है, आंध्र प्रदेश की है। और ये 100 मीटर हर्टर्ड रेस है वो कितने कितने सेकंड कितने मिनट में की थी इन्होंने, 13.2 सेकंड में इन्होंने वो 100 मीटर की रेस है वो कंप्लीट की थी। और पुरुषों में देखो तेज अशोक है वो कहां से संबंध रखते हैं, महाराष्ट्र में, ये 110 हो जाएगा यहाँ पे, 110 मीटर हर्टर्ड रेस है उन्होंने वो 13.71 सेकंड में वो कंप्लीट की थी। इसका क्वेश्चन छोड़ लेना चाहो तो आप इसको छोड़ ले सकते हो। चलती है नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा कि पहली बार भारतीय ओलंपिक खेल राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुए थे। हाँ ये बताओ भाई सनु बाबू, ए पहली बार भारतीय ओलंपिक खेल राष्ट्रीय खेल वो कब आयोजित किए गए थे, 1921, 24 या 20 या 40, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा 1924, 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं बिना किसी देरी के भी कि आजादी के बाद 1950 में पहली बार राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित हुए थे, आजादी के बाद में 1950 में पहली बार राष्ट्रीय खेल वो कहां आयोजित हुए थे, ये हुए थे बेटा हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुए थे, कहां हुए थे लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 37वें राष्ट्रीय खेल में योगासन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, योगासन में बताना आपको किसमें, योगासन में ये किसने जीता था बेटा, ये जीता था हमारा शुभम देवनाथ ने, किसने जीता था बेटा, शुभम देवनाथ ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इस दिन सुन लेना चाहो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न बेटा हमारा कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार आयोजित फुटबॉल खेल में किस राज्य की महिला फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, ये देखो बेटा इस बार ही आपको पता है कि फुटबॉल है वो नेशनल गेम में शामिल किया गया था, तो ये किस राज्य ने जीता है बेटा, किस राज्य ने जीता है, अवतार सिद्धांगा को मैं डिलीट कर रही है, कोई बात नहीं। देखो कि 37वें फुटबॉल है वो किसने जीता बेटा, उड़ीसा ने, उड़ीसा की महिलाओं ने जीता है, किसको रहा है इसके अंदर, उड़ीसा ने किसको हराकर जीता है ये, उड़ीसा ने मणिपुर को हराकर, किसको हराकर, मणिपुर को, किसको, मणिपुर, मणिपुर को हराकर कौन सा पदक जीता है इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता है। और पुरुषों में, पुरुषों में बेटा बता दूं आपको सर्विसेज की टीम ने मणिपुर को हराकर उन्होंने जीता है, तो दोनों को याद रख लेना। आगे देखो कि राजस्थान में राष्ट्रीय खेलों में, नहीं ये सॉरी हो गया, 37वें यहां पे 37वें राष्ट्रीय खेलों में 20 किलोमीटर रेस वॉल्क में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली प्रियंका गोस्वामी किस राज्य से संबंधित है, तो ये किस राज्य से संबंधित है बेटा, 37वें राष्ट्रीय खेलों में 20 किलोमीटर रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली प्रियंका गोस्वामी, क्या नाम है इसका, प्रियंका गोस्वामी किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है बेटा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, उत्तर प्रदेश, किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से है, कि उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में कितने टाइम लगा, 1 घंटे 36 मिनट और 35 सेकंड में क्या किया, कंप्लीट किया है, और इन्होंने एक नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड है वो बना दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न बेटा हमारा 37वें राष्ट्रीय खेलों में 110 मीटर हर्डल्स रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली तेजस अशोक सिर से किस राज्य से संबंधित है, बताओ किस राज्य से संबंधित है, ये बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से, कहां से संबंधित है ये, ओसो जी बी चेपदेव गुरुजी, चेपदेव जी मेरे को लगता है पीछे वाला बता रही है ना, इसका बता रही है बिल्कुल, ओसो जी डी चेपदेव, आलियो ए आलियो, ओ महाराष्ट्र जी, कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के तेजस अशोक शीर्षे ने एक अविश्वसनीय क्या किया, उपलब्धि हासिल की है, कल पुरुषों की 110 मीटर की बागा दौड़ में 13.80 सेकंड में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो बनाया है, किसने बनाया है, तेजस अशोक शीर्षे ने बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा 37वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट मेल एथलीट ट्रॉफी का अवार्ड है वो किसे दिया गया है, बताओ 37वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट
मेल एथलेट ट्रॉफी का अवार्ड किसे दिया गया है? नीरज चोपड़ा या तेज अशोक या श्री हरि नटराज या नॉन, मतलब किसी को नहीं, किसी को तो दिया गया ही है। तो इसका हमारा राइट आंसर वो यह बताने वाला है। एक बार में देख लेता हूँ थोड़ा सा, ज्योति पवार करिए, सॉरी सर जी, किस बात की बोल रही बेटा, सॉरी पता नहीं मेरे को। तो देखो इसका हमारा हो जाएगा श्री नटराज। क्या हो जाएगा? श्री नटराज राइट आंसर हो जाएगा। और श्री नटराज है वो कहाँ के बेटा? ये हमारे कर्नाटक के, कहाँ के है? कर्नाटक। कर्नाटक राजधानी किसी है बेटा? बंगलुरु। किसी है? बंगलुरु। और कर्नाटक ये श्री रोड किस खेल से संबंधित है बेटा? तैराकी से। किससे संबंधित है? तैराकी से। चलो कोई इसको छोड़ लेना चाहो तो ले लो, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 37वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट फीमेल एथलेट एथलेट ट्रॉफी जीतने वाली खिलाड़ी परिणीति नायक और संयुक्ता प्रोसेन किस खेल से संबंधित है बेटा? बताओ, मैंने शुरू में बताया आपको परिणीति नायक और संयुक्ता प्रोसेन, प्रोसेन किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? कंप्यूटर सेंटर, बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखो, तैराकी, शूटिंग है, जिम्नास्टिक है, कौन सा हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर? जिम्नास्टिक से संबंधित है, ये दोनों की दोनों मैंने पहले बता रखा आपको। और जिस भी एग्जाम में नेशनल क्वेश्चन से आएंगे, नेशनल स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अब देखो, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बताओ, 37वें राष्ट्रीय खेल वो कहां हुए थे बेटा? ये हुए थे आपके गुजरात में। कहां हुए थे? गुजरात में हुए थे। अब 37वें राष्ट्रीय खेल वो कहां हुए थे? ये हुए थे आपके गोवा में हुए थे। हुए थे कि नहीं हुए थे? हुए थे। अब एक साल पहले डिसाइड हो गया कि 38वें खेल आगे कौन कहां पर होंगे, तो ये छत्तीसगढ़, मेघालय, उत्तराखंड, ये कहां पर हो जाएगा आपका? उत्तराखंड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। ये याद रखना है, सीक्वेंस पूछा जा सकता है, ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ, ये देख लो कब कब कौन से हुए थे, कि पिछले 5 राष्ट्रीय खेलों की सूची देख सकते हो आप, कि वर्ष 2007 में कौन सा, ये 33वां संस्करण था, ये मेजबानी असम ने की थी, और पहला पदक किसने, ये पहला स्थान कौन आया था? सर्विसेज। ये देखो, सर्विसेज पहले स्थान भी आ रहा है, लेकिन इस बार 37वां 2023 में हुआ, तो सर्विसेज की बाट लगा के महाराष्ट्र है वो प्रथम स्थान पे आया है। और इसकी मेजबानी किस राज्य में हुई है? गोवा में। 37वें की गुजरात में। 35वां हुआ नहीं, और केरल में। और 34वां वो कहां हुआ था? झारखंड में। आगे चलते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो कि 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 का उद्घाटन समारोह कहां हुआ था? बताओ, 37वें राष्ट्रीय खेल उद्घाटन कहां हुआ था? उद्घाटन समारोह कहां आयोजित हुआ था? और ये बता बेटा, आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहां पर है? गोवा में। यहां पर आयोजित हुआ था, आपको पूछा जा सकता है। अब देखो यहां पर कुछ पॉइंट है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का क्या किया था बेटा? उद्घाटन किया था। उसके बाद में 37वें राष्ट्रीय खेलों का 2023 का समापन, अब देखो उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। समापन कौन करेंगे? देखो समापन है वो समारोह है श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम। क्या नाम है? श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम। कहां पर है ये? पणजी में। इसमें किसने किया था? उपराष्ट्रपति कौन? हमारे जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में क्या हुआ था? ये समापन हुआ था। सी अवतार सीते इतना, बिल्कुल अवतार सही है, बिल्कुल आपका। अगला चलते हैं, अगला देखो कि 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस नए मार्शल आर्ट को शामिल किया गया था? कलारी पटे, गतगा, पेनकक सिलाट या स्क्वे मार्शल आर्ट या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, सभी के सभी हो जाएगा इसका। अब देखो इसके रिलेटेड कुछ हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये कलार पट्टी, कि ये खेल हमारा कलारी पट्टी, ये क्या होता है? यह केरल में प्रचलित एक प्रसिद्ध युद्ध कला है बेटा। क्या यह युद्ध कला है? नाम क्या है इसका? कलारीपट। और दूसरा है पेनकक शिलाट। यह क्या है? यह पूरे शरीर से लड़ने का एक रूप है। क्या बेटा? पूरे शरीर से लड़ने का एक रूप है, और जिसमें क्या होता है देखो, जिसमें हथियार के अलावा हमला करना, हाथापाई करना, या क्या है, फेंकना,
इसके अंदर क्या है, शामिल है। किसके अंदर? पेनकक सिलाट के अंदर। और नेक्स्ट है हमारा गतका। देखो गतका क्या होता है, गतका यह है पंजाब का प्रसिद्ध क्या है, मार्शल आर्ट है। किसका है? पंजाब का। इसमें या छड़ी ले लो या कटपाल हो गया, तलवार कटार का प्रयोग है वो किया जाता है। किसके अंदर? गतका के अंदर। अगला हमारा हेक्सवे। क्या है? हेक्सवे। यह कश्मीर का एक दक्षिण एशियाई मार्शल आर्ट है जिसमें तलवार या ढाल से क्या है, लड़ना होता है। किसमें? तलवार हो या ढाल से लड़ना होता है। इसका भी आप देख सकते हो, नोट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 37वें राष्ट्रीय खेलों की अधिकारिता प्रायोजक कंपनी या कह दो ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन सी थी। तो इस बार स्पॉन्सर कौन सी कंपनी ने किया है 37वें राष्ट्रीय खेलों में, बताओ। मेट्रोकार्ड ने किया है, एयरटेल पेमेंट या ड्रीम इलेवन, किसने किया है बता दो। ये तो पता होगा, नहीं पता बता दो आपको। ये लिया बेटा इस बार की स्पॉन्सरशिप है 37वें राष्ट्रीय खेलों की पेटीएम ने लिया। किसने? पेटीएम ने। इन खेलों में देखो बेटा 10,000 से अधिक एथलीट है वो क्या हुए थे, शामिल हुए थे, जिनमें 49% क्या थी बेटा, महिलाएं थी। 49% इसमें महिलाओं ने भाग लिया। और नेशनल गेम में भारत के विभिन्न राज्यों की टीम के अलावा इंडियन आर्म्स फोर्स की स्पोर्ट टीम और सर्विसेज ने भी क्या लिया था, इसके अंदर हिस्सा लिया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा हमारा कि 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 का आदर्श वाक्य है। इसका अंदर 37 जो हमारे राष्ट्रीय खेल हुए हैं, इसके अंदर हमारा आदर्श वाक्य है वो क्या था, खेल के साथ विकास या गेट सेट गोवा या सपने चमकते हैं या दिल से दिल @ भविष्य। क्या है इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा हमारा गेट सेट गोवा। हमारा क्या रहता है इसके अंदर, आदर्श वाक्य, आदर्श है गेट सेट गोवा, हमारा आदर्श वाक्य रहा था। नेक्स्ट चलते हैं हमारे, नेक्स्ट बताओ बेटा ये 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धा, मतलब खेल वो आयोजित क्यों होते, कि साइकिलिंग और गोल्फ जो थे ये स्पर्धा कहां हुई थी बेटा, पणजी मुंबई दिल्ली या कोची। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वाह सर आज तो स्वाद आ गया, बहुत ही मीठी क्लास, ओहो जलेबी से मीठी, वाह क्या बात है। देखो क्या हो जाएगा इसका बेटा हमारी, दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहां हुआ था ये साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धा, कहां हुई थी बेटा, दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब देखो ये बताना है कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है, कि राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन वो किस संस्था के द्वारा किया जाता है बेटा। यह संस्था भारतीय खेल प्राधिकरण है या भारतीय एथलेटिक्स संघ है या भारतीय ओलंपिक संघ है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा हमारा ऑप्शन सी, भारतीय ओलंपिक संघ। क्या हो जाएगा? भारतीय ओलंपिक संघ। और भारतीय ओलंपिक संघ को क्या देता है, IAO। इसकी स्थापना वो 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। और इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है बेटा, पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा, जो क्या है एथलीट्स है। तो इसका आप लेना चाहो तो इससे ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ ये प्रश्न आपका है टेस्ट के रूप में आपका प्रश्न है, ये राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये आप सभी को पढ़ते हो कि राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है। ये आपको जो भी वीडियो देखे भाई और बहन, या आपको लास्ट में बताना है कमेंट में, या भी बताना चाहो तो मेरे को बता सकते हो। ये आपको कमेंट करके बताना है कि 25 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त या 29 अगस्त, इसमें से आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसी के साथ में हमारी क्लास है वो धमाकेदार तरीके से खत्म होती है, ज्यादा टाइम बिना गवाए हुए। और आपको बता दूं बेटा, अगर नेशनल गेम से एक क्वेश्चन तो पक्का है नेशनल गेम से, और इससे बाहर एक क्वेश्चन भी आपका कोई भी परीक्षा हो उसके अंदर है वो एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत सारी मेहनत की है। तो क्लास को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और लाइक करना हो फॉलो करो, कॉमेंट करो, और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सभी को, सत श्री अकाल। कल मिलते हैं, कल हमारा टॉपिक रहेगा, थोड़ा आप पढ़ के आओ तो पढ़ के आ जाना, 19वें एशियाई गेम्स। क्या होगा बेटा, 19वें एशियाई गेम हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और ये क्लास डेली हमारी 7:15 बजे होगी, 7:15 बजे परमानेंट कर दी है, परमानेंट करंट अफेयर की क्लास रोजाना 7:15 बजे। तो मिलते हैं कल 7:15 बजे। धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम सभी को।